नमस्ते दोस्तों, मैं सुनील भटनागर आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूं। जैसा हमने कल बात करी थी कि लर्न टू से नो, ना कहना सीखें, मगर आज मैं उसका उल्टा आपको बताना चाह रहा हूं कि बट डोंट एक्सेप्ट नो। हाँ दोस्तों, ये जो है, अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आपको अगर कोई नो बोल रहा है तो यू शुड बिकम डेफ। दोस्तों, ये कहानी मैंने आपको एक बंदर से भी पहले बताई थी, जिसमें वो जब बाकी सब बंदर टॉवर पे नहीं चढ़ पाए थे तो एक गूंगा और बहरा बंदर चढ़ गया। दोस्तों, अगर वो बहरा नहीं होता तो शायद नहीं चढ़ पाता। वही चीज मैं बताना चाह रहा हूं कि जब भी कोई आपको ना कहे तो आप उससे क्यों पूछे, इससे पहले आप जो है एक सेल्समैन से बात करें। वो आपको बताएगा कि जब सामने वाली पार्टी या कस्टमर अगर नो कह रहा है तो उसके कई रीजन हो सकते हैं। या तो वो आपसे उस समय सहमत नहीं है, या वो आपसे और जानना चाहता है, या सेल्समैन ने कस्टमर को जब कांटेक्ट किया तो उसे ज्यादा टाइम नहीं दिया सोचने का, और या उसके पास पैसे नहीं है, और साथ ही साथ ये भी हो सकता है कि उसके पास कोई अच्छा ऑफर हो। तो दोस्तों, जब एक अच्छा सेल्समैन पहली बार अपने कस्टमर के पास जाता है तो वहां पे ये इन सब बातों को देखता है, और कस्टमर की तरफ से वो सोचता है कि कस्टमर जो है वो उससे चाहता क्या है। हो सकता है वो एक ऐसे प्रकार का कस्टमर है जो ये सोच के चल रहा है कि अगर मैंने इसे जल्दी से अगर बार्गेन कर लिया तो ये मुझे सस्ता माल नहीं देगा। और यही चीज जो है यहां पे हम समझाना चाह रहे हैं, और इसीलिए एक सेल्समैन जो है वो कन्विंस करता है। आपने देखा होगा, वो पहली बार आपको फोन करता है, आप उसे मना कर देते हैं, वो फिर दोबारा आपको फोन करता है, फिर वो अपने ऑफर्स बताता है, और फिर उन ऑफर्स में वो जो बार बार जब फोन करता है तो लास्ट में आपने देखा है कि एक अच्छा सेल्समैन जो है वो सफलता प्राप्त कर लेता है। अब अगर हमें एक ना सुनना नहीं है सामने वाले से, तो दोस्तों आप एक पर्वतारोही, जो पर्वत पे चढ़ने वाला जो व्यक्ति है, उससे हमें कुछ सीखना होगा। सबसे पहले उसकी टाइमिंग्स होती है कि किस समय पर वो जो है उसको उस पर्वत पर चढ़ाई करनी है। समय समय बहुत जरूरी है। दूसरी चीज जो जरूरी है कि उसको चढ़ने के लिए किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, यू नो द टूल्स। तीसरा, वो उसके साथ कौन साथी होना चाहिए जो उसकी मदद करे। समय, टूल्स, साथी, और चौथी चीज जो है कि अगर प्लान ए फेल हो जाए तो प्लान बी भी उसका रेडी होना चाहिए। दोस्तों, आपने बचपन में काफी बार, आपके साथ और हमारे साथ हुआ है कि जब हम छोटे थे और हमारे साथी पिकनिक बनाने का प्रोग्राम बनाते थे, और हम घर में आके जब बोलते थे पापा 5 बजे आए, वो बैठे हैं, चाय का कप पी रहे हैं, और हम तुरंत जाके उनसे बात करते हैं कि पापा हमें पिकनिक जाना है। दोस्तों, क्या होता है? एक तो वो थका हारे आए हैं, अपने ऑफिस की उधेड़ बुन में ही हैं, और तुरंत जब हम उनसे पूछते हैं कि हमें जाना है तो हमें पहली बार में जवाब ना मिलेगा। अब इसका दूसरा तरीका यह है कि पापा बैठे हैं, आके उन्होंने जो है जैसे ही अपने
जूते उतारे, आपने उनका बैग लिया और उठा के रख दिया, पापा के लिए पानी का गिलास लेके आए, उनको जो है चाय दी, उनको अखबार पढ़ने को कहा, पंखा चला दिया, एसी चलाने को बोला, पापा का फेवरेट गाना लगा दिया। और जब आध पौन घंटा जब पापा जो है चाय पी के फिर दोबारा एनर्जी ले ली, और फिर आपने जब उनसे टाइमिंग ली, तो वहां पे आपको 90% चांस है कि सही होगा। फिर भी पापा मना कर सकते हैं, हो सकता है उनके पास पैसे ना हो सकता है वो आपकी सिक्योरिटी से चिंतित है कि आपके कौन कौन दोस्त जा रहे हैं, हो सकता है वो ये भी जानना चाह रहे हैं कि आपका जो है वहां पे कहीं ऐसी जगह तो आप नहीं जा रहे जहां पे दुर्घटना होने के चांसेस हैं। तो दोस्तों जब आप बात कर रहे हैं अपने पापा से पिकनिक जाने की बात कर रहे हैं, तो उस समय आपको ये भी सारी बातों को स्पष्ट की, पापा हमारे ये दोस्त जा रहे हैं, हमारे साथ टीचर भी जा रहे हैं और हमें जो है वहां पे ले जाया जा रहा है, सेफ्टी का है, और पैसा जो है उन्होंने 50% अभी जमा करने को कहा है, 50% जमा करने को बोला। और पापा मैंने जो है जो आपने मुझे जेब खर्च दिया था उससे मैंने कुछ पैसे बचा रखे हैं, अगर आप मदद करेंगे तो बहुत बढ़िया होगा। तो ये जो चीज है इसमें क्या होगा, इसमें सामने वाला ना आपको नहीं बोलेगा। दोस्तों पीपल फाइंड इट डिफिकल्ट टू से नो व्हेन दे फाइंड द अदर पर्सन कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंस अगर आपके अंदर है और आप जा रहे हैं सामने वाले से, तो सामने वाला भी ना कहते हुए एक बार हिचकिचाएगा। तो फर्स्ट इज टाइमिंग अच्छी होनी चाहिए, दूसरा आपकी पूरी प्रिपरेशन होनी चाहिए सामने वाले के हिसाब से कि वो क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, और तीसरी चीज है कि आपका कॉन्फिडेंस भी वो देखता है भांपता है। अगर पहली बार ही उसने ना किया और आपने गर्दन नीचे करके आप बाहर निकल आए, तो वो समझ जाता है, बोले यार इसी को जरूरत नहीं है। और साथ ही साथ एक और जो चीज मैंने बताया कि जब भी आप कभी भी ऑफिस के अंदर भी ऐसा आपके साथ चांस हो सकता है कि आपने छुट्टी लेनी है, बॉस के पास जाना है, पर्टिकुलरली जैसे ईद दिवाली होली होती है और उस समय आपको पता होता है कि मैक्सिमम लोग छुट्टी लेके अपने बॉस के पास आए होंगे, और आपने भी जो है क्योंकि जाना है, तो उसके कई तरीके हैं। सबसे पहले प्लान योर लीव इन एडवांस। दूसरी चीज आपके अंदर ये होनी चाहिए कि अपना जो सब्स्टिट्यूट है उसको आप ध्यान रखें कि बॉस जो है उन दिनों में उसे क्या किस टाइप की डिफिकल्टीज आती है, तो आप जब छुट्टी लेके जाएंगे तो वहां पे एप्लीकेशन में ये है कि आपकी एब्सेंस में कौन आदमी काम करेगा। और तीसरी चीज है कि आपने अपना मोबाइल नंबर और अपना एड्रेस भी दे रखा है कि सर अगर आपको जरूरत पड़े तो आप इस पे बुला सकते हैं, तो आपको ना नहीं मिलेगी चाहे कितनी ही अर्जेंसी आ जाए। दोस्तों ये तरीके हमारे कुछ होते हैं क्योंकि सामने वाला भी एक ह्यूमन बीइंग है। तो सबसे पहले फिक्स द बेस्ट टाइम, चूज द राइट स्पॉट कि भाई मुझे कहां पे बात करनी है पापा से, थके हुए आ रहे हैं तभी उनसे बात करनी है, थोड़ी देर जो है जब वो चाय वाय पी के अपने फेवरेट टीवी देख रहे हैं और उस समय उनका मूड भी अच्छा है तब बात करी। और तीसरा यह है कि आपका अप्रोच कैसा है, कॉन्फिडेंस अगर आपके अंदर है और अपना जो कंपेनियन है, साथ में मैंने कहा कि कंपेनियन भी होना चाहिए, जिसमें हम नॉर्मली अपना हेल्प किससे लेते हैं, मदर से। हम सबसे पहले मदर को या सिस्टर को जिसकी पापा बहुत सुनते हैं या मानते हैं उनको तैयार कर लेते हैं। और साथ ही साथ आपके पास ऑल्टरनेटिव अप्रोच भी होनी चाहिए। मैं बार बार यहां पे बताना चाह रहा हूं कि ऑलवेज गिव द सोल्यूशन, साथ में सोल्यूशन भी लेके जाएं। और
एक जरूरी ये है एंड प्रिपेयर द वे फॉर ए सेकेंड रिक्वेस्ट। और दोस्तों जब हमारा काम हो जाए तो वहां पे थैंक्स करना ना भूलें। दैट इज द बेस्ट वे टू गेट द ग्रांटिंग ऑफ फ्यूचर फेवरेट एश्योर्ड। दोस्तों ये आज का टॉपिक है, आशा है आपको इसे पसंद आएगा और इसी के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में आगे मिलेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।